हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम ला की सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, जिसके दो वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो जो भी फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो फ्रेंड्स वीडियो पहले देख लें, जिससे यह वीडियो अच्छी से समझ में आए। तो जैसा जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम के महत्व और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा विस्तार से की थी। आइए इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमने निकाला था कूलाम का नियम क्या होता है। दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी यदि आर है और उनके बीच लगने वाला फोर्स एफ है, तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 / r². यह है न्यूटन कूलाम का नियम, F = 1/4πε0 Q1 Q2 / r². यदि निर्वात या वायु में दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 = 1/4πε0 × K लग जाएगा Q1 Q2 / r² के को कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता। हमने इसके निर्वात की वैद्युतशीलता के आंकिक मान, विमा, मात्रक इत्यादि के बारे में बात की थी। तो इसका आंकिक मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान 8.85 × 10^-12, और इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि न्यूटन के नियम कूलाम के नियम की महत्व की बात करें तो कूलाम का नियम बहुत छोटी दूरियों से लेकर या बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों के लिए वैलिड है, अर्थात यहाँ तक कि यह परमाणवीय दूरियाँ 10^-10 मीटर से लेकर नाभिकीय दूरियाँ 10^-15 मीटर तक के लिए भी सिद्ध है। अर्थात कूलाम के नियम से दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले केवल वैद्युत बल की व्याख्या नहीं होती है, परंतु हम प्राण जिसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से मिलकर अपने परमाणु की संरचना करता है, जिसके द्वारा कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से मिलकर किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से मिलकर परमाणु की संरचना करते हैं। तो उसके बाद हमने फ्रेंड्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। मात्र की बात कहें तो इसका मात्र न्यूटन प्रति कूलाम होता है। उसके बाद हमने बात करी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करी। उसके बाद एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है, तो वो एक बिंदु आवेश के कारण फ्रेंड्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r². E = 1/4πε0 Q/r² एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। तो आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें हमने वीडियो नंबर 2 में कर ली हैं। तो हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय या सिस्टम है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान प्रकृति के
बराबर परंत विपरीत प्रकार के दो आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं। वैद्युत ध्रुव क्या है? वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश बहुत परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों, ये कोई इलेक्ट्रिक डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। और इसके बीच की दूरी को हम 2L मानते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए अपनी सुविधा के लिए हमने इसके बीच की दूरी को 2L मान लेते हैं। तो माइनस क्यू का प्लस क्यू आवेश बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस प्रकार बना यह सिस्टम या निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, NaCl इत्यादि। हम जानते हैं जो कोई अणु है वह दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई जो अणु है फ्रेंड्स वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु के अंदर धनावेशित नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर धनावेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ अणुओं में परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकों की जो व्यवस्था है, कुछ अणुओं के परमाणुओं में धनावेशित नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों की ये जो व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि परमाणु के एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार के जो अणु हैं वे इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। किसी भी परमाणु में धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का जो केंद्र है वे परस्पर संपाती होते हैं। परमाणु में धनावेशित नाभिक का केंद्र तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का जो केंद्र है ये संपाती होते हैं। अर्थात हम परमाणु को वैद्युत द्विध्रुव नहीं कह सकते। वैद्युत द्विध्रुव परमाणु नहीं होता है, परंतु इसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसमें धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के केंद्र घट जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, जिससे यह वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। अर्थात यह परमाणु इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम पी से डिनोट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और इसके बीच की दूरी जो है 2L है। ये भी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके बीच की दूरी 2L है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी क्या है? पी है इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक आवेश के परिमाण क्यू तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसके मात्रक की यदि हम बात करें, मात्रक क्या होगा? कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम मीटर, मात्रक होगा कूलाम मीटर, विमा कूलाम की विमा एटी और मीटर की विमा एल। तो इसकी विमा होगी ए टी एल। और ये राशि कैसी है? क्वांटिटी इस वेक्टर क्वांटिटी है।
राशि है ये सदिश। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी कहते हैं, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, यह एक सदिश राशि है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम पहले एक बात करेंगे अच्छी स्थिति में एक्जियल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में अनुदैर्ध्य स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे एक्जियल पोजीशन आर लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी अनुदैर्ध्य उसकी अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो हमने माना ये कोई माइनस क्यू और ये कोई प्लस क्यू आवेश से बना इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, क्यू एल। यह कोई माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश के द्वारा बना इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। हमें इसके मध्य बिंदु ओ से, ये इसका सेंटर है, हमें इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, हमें इसके मध्य बिंदु से, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, हमें इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यहाँ से आर दूरी पर ये जो स्थित बिंदु पी है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए पॉइंट प्लस क्यू आवेश की पॉइंट पी तक की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि सूत्र निकला है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, उसमें दूरी का वर्ग होता है, यानी उस आवेश की उस बिंदु तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो इस फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक डायपोल की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु ओ है, तो ये जो ओ बी है ये भी एल होगी, आधी दूरी ये एल और ये भी दूरी एल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का मध्य बिंदु ओ है, तो टोटल दूरी जो ए बी है वो 2L है, तो आधी दूरी ये एल और ये एल होगी। हमें आवेश प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी बी पी चाहिए, तो ये ओ पी पूरी दूरी ओ से पी तक की दूरी आर है, यदि पूरी दूरी आर में से हम इतनी दूरी एल को घटा दें, इस टोटल दूरी आर में से यदि हम एल को घटाते हैं तो हमारी ये दूरी बी पी आ जाएगी। तो हम आर में से एल को घटा दें तो हमारी डिस्टेंस बी पी आ जाएगी, बी पी कितनी आ जाएगी, आर माइनस एल। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए माइनस क्यू आवेश से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो ये जो ओ पी है हमारी पूरी आर है, यदि आर में हम ये डिस्टेंस एल जोड़ दें, ए ओ डिस्टेंस जो एल है इसको जोड़ दें, ये पूरी दूरी आर, आर में यदि हम ये
दूरी एल को जोड़ दें तो पॉइंट ये जो चार्ज माइनस क्यू आवेश है इससे पॉइंट पी तक की डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर प्लस एल हो जाएगी। इस आर में हमने इस एल को जोड़ दिया तो माइनस क्यू आवेश से पॉइंट पी तक की दूरी पता चल गई। अर्थात ये जो बी पी है ये है आर माइनस एल और ये जो ए पी है ये है आर प्लस एल फ्रेंड्स। ओके तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी बाहर की ओर इवन इवन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। ये होगी ई टू और ये पॉइंट पी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वन बाहर की ओर और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू अंदर की ओर होगी। तो हम देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वन कितनी होगी। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वन वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। आर डिस्टेंस प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी तक की दूरी है बी पी यानी बी पी का स्क्वायर। क्यू अपान आर स्क्वायर यानी बी पी का हमने स्क्वायर किया अर्थात वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बी पी कितनी है आर माइनस एल। ये डिस्टेंस है हमारी आर माइनस एल तो यहाँ पे रखेंगे आर माइनस एल का स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कितनी होगी प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितनी बता बाहर की ओर अर्थात बी से पी की ओर होगी। डिस्टेंस इसकी कहाँ की ओर होगी बी टू पी की ओर होगी बी से पी की ओर होगी। अब हम बात करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू कितनी होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई टू कितनी हो जाएगी। ई टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इस माइनस क्यू आवेश की बिंदु पी तक की दूरी है ए पी। ए पी डिस्टेंस को है तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान और इस ए पी डिस्टेंस है कितनी ये ए पी है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर प्लस एल का होल स्क्वायर और इस ये माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई टू है इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी ना अंदर की ओर तो पी टू ए होगी पी से ए की ओर पी से ए की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो पॉइंट पी पर इवन इस डायरेक्शन में है और ई टू इस डायरेक्शन में परस्पर इवन ई टू की डायरेक्शन विपरीत है तो परिणामी तीव्रता किस डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन की तीव्रता बड़ी होगी परिणामी तीव्रता उस डायरेक्शन में होगी। तो हम देखते हैं इवन इवन और ई टू में कौन तीव्रता बड़ी होगी उस डायरेक्शन में परिणामी तीव्रता होगी। तो हम देखेंगे जिसका भी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो तीव्रता बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो तीव्रता छोटी होगी। तो हम देख रहे हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर इसमें है इसमें या इसका डिनोमिनेटर कम है तो इवन ज़्यादा होगी। इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है क्योंकि इसमें आर प्लस एल है आर प्लस एल का होल स्क्वायर होने के कारण ई टू कम होगी। तो बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ई इज इक्वल टू इवन माइनस ई टू क्योंकि इवन की दिशा में परिणामी तीव्रता होगी। बिंदु
पी पर परिणामी तीव्रता ई इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, ई इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू। ई वन कितना है, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ई वन है क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ई टू है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये है ई वन और ये है ई टू, तो बराबर हम देखते हैं वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी क्यू भी इसमें है, क्यू भी इसमें, तो क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं। क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हुआ तो क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकल गया, तो कितना बचा वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ से बचा वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू निकल गया, तो यहाँ बचा वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे बचा, तो आगे देखते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे दिख रहा है ओके दिख रहा है, तो E इज इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों में हम लेते हैं एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर इसमें एलसीएम होगा, तो आर माइनस एल के होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर कटेगा, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में होगा, तो आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हेंस आर माइनस एल स्क्वायर से यदि हम इसको भाग देंगे तो ये वाला भाग से कट जाएगा, ये वाला बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई यदि हम जब वन से कराएंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, दूसरी बार में जब आर प्लस एल के होल स्क्वायर से इसको भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर आएगा। अब आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल के होल स्क्वायर को खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बराबर क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए वर्ग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस टू ए बी। अब देख रहे हैं इस माइनस ब्रैकेट्स के पहले माइनस है तो ब्रैकेट खोलने पर माइनस ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन को बदल देगा, जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे ब्रैकेट्स के अंदर के साइन बदल जाएंगे, बराबर क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एप्सिलॉन लिखते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, ये आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा टू आर एल। देखें इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कट जाएंगे, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर, टू आर एल प्लस टू आर एल मिलकर फोर आर एल बन गए, बराबर क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये बन गए फोर आर एल
और इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एल ब्रैकेट आर प्लस एल का इस प्रकार से होल स्क्वायर लिख सकते हैं आर माइनस एल आर प्लस एल और पूरे का हमने होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आया 4 आर एल अपान आर माइनस एल का आर माइनस एल आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर ये हमारा आया। तो हम सूत्र जानते हैं R माइनस एल आर प्लस एल का सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो देखिए R माइनस एल इंटू आर प्लस एल का क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 आर एल अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर इस पूरे का है होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए है आर आर स्क्वायर माइनस बी है एल तो एल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं जो ये एल स्क्वायर है ये बहुत छोटा है। एल क्या है ये इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी की डिस्टेंस है 2L ये बहुत सूक्ष्म दूरी है 2L फिर उसकी आधी दूरी है L तो वो और सूक्ष्म हुई और फिर उसका है वर्ग इस कारण ये एल स्क्वायर है ये बहुत छोटी है। क्योंकि एल स्क्वायर वेरी 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 लेस दैन एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस दैन आर स्क्वायर इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर जैसे 0.001 है इसका यदि हम वर्ग करें कोई छोटी संख्या का वर्ग और भी छोटा हो जाता है इसका वर्ग करें तो 6 पॉइंट जाएगा 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 पॉइंट जाएगा 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे आएगा तो इस संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या और भी छोटी हो जाती है इसलिए एल स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत सूक्ष्म है इसलिए हमने एल स्क्वायर को छोड़ दिया। तो क्या आया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस 4 आर एल अपान आर स्क्वायर एल स्क्वायर को हमने छोड़ दिया तो इसका है वर्ग। जब पावर पावर का पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो टू टू जा फोर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं आर की पावर 4 इस आर से ये आर की घात कट गई तो ये आया क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एल अपान आर क्यू ये आया। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो 2 जा 4 ही को लिखा है 2 इंटू 2 और ये L और इस Q को हम ला के यहाँ लिख देंगे अपान आर क्यूब। फ्रेंड्स आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी कहते हैं अर्थात पी इक्वल टू क्यू इंटू ट्वेल्व। तो यहाँ पे देखें क्यू इंटू ट्वेल्व ही तो लिखा है तो इसकी जगह पे हम पी लिख सकते हैं क्यू इंटू ट्वेल्व की जगह पे हम पी लिख सकते हैं तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू इसकी जगह पे लिख दिया पी अपान आर क्यूब ये परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और एक P इक्वल टू Q इनटू L इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, जिसकी जो दिशा है द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश माइनस से प्लस की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी? माइनस, माइनस से प्लस की ओर, अक्ष के अनुदिश माइनस से प्लस की ओर होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक को हमने निकाला और E इक्वल टू 1/4π0 2π/r³ आता है। तो दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं अपने वीडियो को, यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।